Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद मुंहजोर हो गया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 41 अमवात हो गई, जबकि एक ही दिन में 2400 से ज़ायद नए मरीजों की तशखीस हुई है। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का खदशा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दाइश के लिए कराची से फंडिंग इंकशाफ के बाद एक तालिबे-ए-इल्म गिरफ्तार कर लिया गया। फंडिंग को शाम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा था। कोरोना वैक्सीन के लिए चीनी कंपनी से बातचीत जारी है, जल्द खुशखबरी देंगे। असद उमर कहते हैं वबा के साथ जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। नैब ने साद रफी के खिलाफ रेलवे इंजन महंगे दामों खरीदारी केस बंद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। जिस 18वीं तरमीम का मेरे शहर को फ़ायदा नहीं उस पर लानत भेजता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं गलत मर्दमशुमारी हमारी नस्लों के खिलाफ सरकारी दहशतगर्दी है। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 41 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,717 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,06,701 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,408 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,46,016, सिंध में 2,27,885, खैबर पख्तूनख्वा में 61,648, बलोचिस्तान में 18,429, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,340, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,501 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 71,62,626 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,088 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,61,977 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 41 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,717 हो गई। पंजाब में 4,299, सिंध में 3,708, खैबर पख्तूनख्वा में 1,743, इस्लामाबाद में 443, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 235 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग में इजाफा कर दिया। शहर कायद में दहशतगर्द तंजीम दाइश के लिए कराची से फंडिंग का इंकशाफ हुआ है, जबकि एक तालिबे इल्म को भी हिरासत में लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में मुश्तबा सफ़ेद गाड़ी के दाखिल होने की इत्तला पर पुलिस अलर्ट हो गई और शहर भर में स्नैप चेकिंग में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी जगह जगह तैनात कर दी गई। पुलिस को इंटेलिजेंस इत्तला मिली है कि शहर में सफ़ेद रंग की एक मुश्तबा गाड़ी दाखिल हो चुकी है, जिसके जरिए दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात की जा सकती है, लिहाजा इस सफ़ेद करोला को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। इंटेलिजेंस इत्तला के तनाजर में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से फौरी अहकाम दिए गए कि तमाम SDPOs और SHOs
सड़कों पर मौजूद रहें, जबकि स्नैप चेकिंग फौरी तौर पर बढ़ा दी जाए। CDD के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। उमर बिन खालिद को दिसंबर 2020 में तारिक रोड से हिरासत में ले लिया गया और मुलजिमान के खिलाफ सबूत न होने पर उसे जाती मचलके पर रिहा कर दिया गया था। मुलजिम उमर बिन खालिद के कब्जे से दो मोबाइल फोन कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भेजे गए, तो डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिम और उसके साथियों के खिलाफ शवाहिद मिल गए, जिस पर मुलजिम के साथी जुनेद, जिया और ओवेस को भी मुकदमे में नामजद कर लिया गया। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि वबा की दूसरी लहर में कुछ ममालिक में बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। बरतानिया अमरीका में कोरोना से जितनी अमवात 2021 में हो रही हैं उतनी 2020 में ना हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबरा असद उमर ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। अक्वामे मुतहदा, बिल गेट्स और दीगर आलमी इदारों ने पाकिस्तान की तारीफ की। बर वक्त फैसले ना किए जाते तो नुकसान का अंदेशा था, वबा के साथ जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। असद उमर ने बताया कि कोरोना वबा के दौरान हर शख्स ने मुश्किल से गुजारा किया। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ लोग मुआवजे के इवज काम करते हैं। कोरोना से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 10% घराने बाज औकात एक से जायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की अदम फरहमी पर अदम तहफ़ का शिकार हुए। मौशी बदहाली के बायस 54% अफराद ने खाने पीने की अशिया की खरीदारी कम कर दी। 50% ने सस्ती अशिया खरीदी या खाने पीने में कमी लाए। 47% अफराद ने बताया उन्हें अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करना पड़ी। 30% अफराद ने दोस्तों वगैरह से कर्जा लेकर गुजारा किया। पाकिस्तान ने मुकम्मल के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद वबा का फैलाव कम हुआ। ये अब आप देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग हैं जो मुआवजे के एवज रोज़गार के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो से अच्छी खबर ये सामने आई है कि नैब ने उनके खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो से अच्छी खबर ये सामने आई है कि नैब ने उनके खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। तफ्तीशी टीम ने इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी और DG नैब लाहौर ने टीम की रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी, जो इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। नैब जराए के मुताबिक ख्वाजा साद समेत दीगर मुलजिमान पर 4000 से 4500 हॉर्स पावर के इंजन महंगे दामों खरीदने के इल्जामात थे। साद रफीक के खिलाफ शिकायत गुजार का मौकफ था कि पाकिस्तान रेलवे को 20 से ज्यादा लोकोमोटिव की जरूरत नहीं थी। ख्वाजा साद रफीक ने जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव खरीदने की मंजूरी दी, जिसका मकसद किक बैक्स हासिल करना था। इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरिट पर तमाम कवानीन को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बदकिरदार लोग अगर ऐवानों में जाकर बैठ जाएं तो वो कौम का सौदा करते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खुद को जेलों से बचाने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं, उनकी वजह से PTI ने आज कराची पर शब खून मारा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची मुल्क की मईशत चलाता है, लेकिन कराची में ना पीने का पानी मिलता है और ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। इस शहर के मसाइल को हल करने की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा। नाम नहाद जमहूरी रहनुमा वजीर आजम बनने के बाद किसी और मसले को अहमियत नहीं देते। खुदारा करप्शन खत्म करने का नारा बंद कर दो ताकि गरीब आदमी कम पैसों में अपना काम करा सके। चेयरमैन PSP का कहना था कि कराची के 70 लाख लोग कम गिने गए हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान नादरा और आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं कि कराची की आबादी ज्यादा है। हम 2017 की मर्दम शुमारी को रद्द करते हैं। हम इस मर्दम शुमारी को सही कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब 17 जनवरी इतवार दोपहर 2 बजे मर्दम शुमारी के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। हमारा यही मुतालबा है कि हमारी गिनती सही करो। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ हमारा कोई कसूर नहीं, हमें सही गिन लो। 5% ब्लॉक का ऑडिट करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि मैंने चीफ जस्टिस को मर्दम शुमारी से मुतालिक खत लिख दिया है, जिसमें कराची की मर्दम शुमारी पर अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.